Assalamu alaikum Nazreen, welcome to the natural health with Dr. Abdul Samad. आज का टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस, यानी सेल्फ अवेयरनेस हमारे अपने बारे में नॉलेज, ये बड़ी अहम तरीन मसला रहा जिंदगी के और अहम तरीन मौजू रहा और मजाहब जितने भी दुनिया में गुजरी है तमाम की तमाम इस पे फोकस थे कि सेल्फ अपने आप को जानना और दीन इस्लाम में भी ये बेहतरीन खुदशनासी कहते हैं इसको और साइंस आज दरियाफ्त किया साइंस ने कि खुद को पहचानना और अपने सलाहितों को पहचानना अपने एक्सलेंसेस को पहचानना अपने आप को एक्सप्लोर करना अपने सलाहितों को एक्सप्लोर करना ये अहम तरीन है एक इंसान के लिए क्योंकि इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को पहचान सकते हैं उसके बारे में इलम रख सकते हैं दूसरों को जानने में बुरे और अच्छा को तमस करने में अखलाक को और उलूम को जान सकते हैं आप और इसके दूसरे बेनिफिट ये हैं कि आपकी हेल्थ बेहतर होंगे आप हैप्पीनेस को आसानी से अचीव कर सकेंगे सक्सेस को आसानी से अचीव कर सकेंगे इसलिए ये ज़रूरी है ये बेनिफिट नहीं इसके और बहुत से बेनिफिट्स हैं जो हमारे अंदर एक पीस ऑफ माइंड लाते हैं ज़हनी सुकून ले आते हैं और आसबी सुकून मिलते हैं इंसान को साथ ही इंसान कामयाबी को हासिल करते हैं और खुशियां लाते हैं और अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इस ज़िंदगी में इस कायनात में वो एक अच्छा रोल एक अच्छा किरदार अता कर सकते हैं इसलिए ये हमारे मज़हबी फ़र्ज़ भी बनते हैं और हमारे यानी दीनी फ़र्ज़ भी है और साथ ही हमारी इस बारे में इलम रखना हमारे अपने मफाद के लिए है ये तो साइंस के हवाले से हमने बात कही है कि अपने आप को जानना और अपने सलाहितों को जानना अपने एक्सलेंसेस को जानना और वो सलाहितें जो अल्लाह ने माला माल किए हैं वो सलाहितें जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना ये साइंस के हवाले से मैं बात करूँ साइंस के हवाले से हम अपने अपने बारे में अवेयरनेस तकरीबन 100 में से 1 or 2% रखते हैं बाकी जो भी कुछ एक्सीलेंसेस होते हैं अनजाने में होते हैं और हमें नहीं पता हम समझते हैं कि हमने फिज़िकल काम करके तो शायद हमने ये हासिल किए या आजकल 80% 90% लोग लक पे डालते कि वो लकी है और उनको बहुत किस्मत ही अच्छे हैं ठीक है साइंस के हवाले से हम बात करें अब हम आते हैं कि दीन के हवाले से अपने आप को जानना अपने सलाहितों को जानना अपने ताकतों को जो अल्लाह ने दिए हैं उसको जानना हमारा फ़र्ज बनते हैं खुदशनासी के लिए बहुत से जुमलात है कि खुदशनासी यानी अपने आप को जानना सेल्फ अवेयरनेस इसलिए अहम है दीन के हवाले से कि अगर हम अपने आप को अपने सलाहितों को जानने की कोशिश करें तो हम अपने रब को भी पहचान सकते हैं जान सकते हैं और इंसान जब अपने रब को सही तरीके से पहचान सकते हैं जान सकते हैं वही इंसान मनाजिल को तय करते हैं और वही रूहानी मनाजिल को तय करते हैं इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बारे में जानने और अपने आप को जानने की कोशिश करें अपने सलाहितों को अपने एक्सलेंसेस को जानने की कोशिश करें क्योंकि ये इतनी अहम तरीन है कि जैसा कि हम कंप्यूटर हमारे पास है मगर हम उस कंप्यूटर पे अगर काम अगर हमें नहीं आते हैं तो वो हमारे लिए यूज़लेस है उससे हम कोई काम नहीं ले सकते हैं इस तरह बहुत से लोग कहते हैं अपने सलाहितों को तमाम के तमाम जहन में डाल देते हैं कि जहन को इस्तेमाल करना ज़रूरी है आजकल बच्चे को भी पता है कि जहन को इस्तेमाल करना और अल्लाह का शुक्र है रोज़ बरोज़ लोग इस तरफ आते जा रहे हैं अपने अपने सलाहितों को जानने की कोशिश करते जा रहे हैं रोज़ाना मेरे सेमिनार्स होती है और सेमिनार्स अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में
कई ऐसा सेमिनार्स होते हैं, उनमें तकरीबन 200 से लेकर 1000 तक लोग होते हैं। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस लाजमी है, ज़रूरी है कि हम इसके बेनिफिट्स को जान लें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, फिर हम अपनी सलाहियतों को जानने की कोशिश करें। अभी आते हैं साइंस के हवाले से बात करते हैं। कॉल होल्ड पे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं आसिफ नदीम बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज आपके, खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आसिफ साहब जी। क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है डॉक्टर साहब, बिल्कुल खैरियत है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पता करना चाह रहा था क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहे हैं आपके पास जी, सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं जी जी, तो काइंडली मुझे बताएं कि क्या अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए क्या सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए आम तरीन है, हर चीज के लिए जरूरी है, हर कामयाबी के लिए, हर काम के लिए और हर इबादत के लिए जरूरी है। तो इसमें क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से? जी सेल्फ अवेयरनेस के बेनिफिट सबसे जरूरी है कि हम जान ले, और मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा कि बेनिफिट्स इसके क्या है, अभी मैं इस पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह जी। बेनिफिट्स बता फरमाया कि बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स एक बार हमने बता भी दिए थे और एक बार फिर बताना चाहते हैं आपको कि बेनिफिट्स क्या है इसके। आप अपने आप को जानने की जब कोशिश कर, अपने बारे में मुतालिया करने की कोशिश जब आप करते हैं, तो उसमें ना मेडिकल के हवाले से देखें, हम मेडिकल एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ी नॉलेज हमारे लिए सबसे बड़ी लामहदूद नॉलेज आजकल जो है, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी से फिजिकल रिश्यू से बात करते हैं, वो हमारे लिए सबसे आम तरीन शोबा है। सही है, और वाकई इस मादी दुनिया में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं मेडिकल। तो ये भी एक जानना है अपने, हम अपने फिजिकल रिशो को जानते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, हम उस सलाहियतों को छुपी हुई जो नज़र नहीं आते हैं, जो मेटाफिजिकली जो हम उसको महसूस कर सकते हैं, उससे काम ले सकता है, हमारी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, जो फिजिकल बॉडी है वही सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो फिजिकल बॉडी है ये वही चलाते हैं, तो इसलिए उस चीज़ों को जो छुपी हुई है जानना वो हमारे लिए मुफीद इसलिए है, अगर उसको हम सही तरीके से जान सके तो हम अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं, सक्सेस और हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, नेचुरल हेल्थ को, बल्कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल रख सकते हैं, एक अच्छे शहरी बन सकते हैं और एक मुफीद और अच्छे इंसान के तौर पर इस दुनिया से जा सकते हैं, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजार सकता है, कल्बी सुकून आ सकता है, ज़हनी सुकून आ सकते हैं इंसान को, और कामयाबियों को सर करते हैं, कामयाबियों को अचीव करते हैं, और बहुत सी अगर सलाहियतों को इंसान इस्तेमाल करता है अपने, तो इजादात कर सकते हैं, दरियाफ्ते कर सकते हैं। इसलिए हमें जो आम लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जीनियस, जीनियस उनको कहते हैं जो अपने सलाहियतों को ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अपने छुपी हुई सलाहियतों को। जिस्मानी तौर पे तो देखें मुशक्कत का काम आप सुबह शाम करते रहें वो अलग बात है फिजिकल, मगर अपने सलाहियतों को जानना, माइंड को इस्तेमाल करना और अपने एनर्जी सेंटर को जगाना, एक्टिवेट करना, अपने सलाहियतों को जगाने की कोशिश करना, इसी से इंसान को बहुत से कुछ मिलते हैं। सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को मुतालिया करें। मुतालिया इसलिए ज़रूरी है कि मैंने इस पे काफ़ी बुक्स लिखी है। एक कॉल होल्ड पे है। एक अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, रानी बात कर रही हूँ आपसे जी। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं समझा करके आई हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मतलब महसूस करती हूँ फीलिंग इसकी। अच्छा, पहले तो आप ना मेरे बच्चों से बात करें
उन्होंने बड़ा परेशान किया हुआ कि मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, आए करें सर। जी जी बिल्कुल, आप बात करें। जी बात कर रहे हैं। हेलो कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी सॉरी फोन कट गया। जी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के सेल्फ अवेयरनेस हम किस तरह के ला सकते हैं और सेल्फ ये स्टडीज हमारी बहुत अहम तरीन है। इसके बेनिफिट्स हमने जान लिए और हम अभी ये जानना चाहते हैं कि इसका रास्ता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझता है कि उन्होंने अपने आप को जानना है, क्योंकि आजकल तकरीबन 80% लोगों को यह गलत फहमी होती है, तकरीबन 50% लोगों की यह गलत फहमी होती है कि वो अपने आप को जानते हैं और वो अपना अच्छा और बुरा को भी समझते हैं और अपने सलाहितों को भी समझते हैं। क्या है, मेहनत ना करे तो कुछ नहीं होता है, मेहनत ना करे तो कुछ नहीं होता है, ये जुमला किसी हद तक बिल्कुल सही है। मगर मेहनत करें, किस चीज़ पे मेहनत करें ताकि आसानी से, कुछ लोग होते हैं, कोई एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक शख्स एक काम करते हैं, ठीक है, फिजिकली उन्हें अपने सलाहितों को उसे पता ही नहीं, फिजिकली इस्तेमाल करते करते मगर उसमें नाकाम हो जाते हैं। अगर वो अपने सलाहितों को सही तरीके से समझ के अपने माइंड पे स्टडी करें और अपने जो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है उस पर स्टडीज कर लें, थोड़ी मेडिटेशन करें इंसान, मराकबा करें इंसान, और थोड़ी दूसरी स्टडीज करें कि हम है क्या, कहाँ से आया, कहाँ जा रहे हैं, ज़िंदगी में हमारे मकसद क्या है, क्या सच जो हम समझते हैं वही चीज़ है। एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सबीन कराची से बात कर रही हूँ। जी सबीन, क्या कहना चाहती हैं? साहब आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू। मैं और मेरे घर वाले बड़े शौक से आपका शो देखते हैं। शुक्रिया। और आप जिस तरह से अपने शो को जाहिर कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो वो काफी अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा सेल्फ अवेयरनेस के मुतालिक सवाल था। जी जी बिल्कुल। ये सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है और जो है हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सेल्फ अवेयरनेस को किस तरह से जान सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, सही है, बिल्कुल ठीक, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके। जी, फिजिकल ऋषि और मेटाफिजिकल दुनिया हमारी, सबसे पहले आते हैं कि हम जान ले अपने सलाहितों को, जरूरी है वो जो नजर नहीं आते, गोश्त पोस्ट खून और हड्डियों तो नजर आते हैं, बड़े जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं और ऐसे वैसे कपड़े पहन के और शीशे के सामने खड़े होकर हम अपने आप को तैयार करते हैं जबरदस्त किस्म के, और नहाते हैं, सफाई का भी ख्याल रखते हैं, हर चीज़ की ख्याल रखते हैं, कलर्स का भी ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का। मगर मेटाफिजिकल दुनिया हमारी कौन सी है, कैसे है, ये तो फिजिकल दुनिया है, पारा ढाया मीटर आपकी मेटाफिजिकल स्टडी जब हम करते हैं तो हमारे आपका ये जो बॉडी है ये नहीं है, 12 ढाया मीटर बॉडी है आपकी, इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी स्ट्रांग बॉडी है, इतनी एक बड़ी दूसरी बॉडी है आपकी, तो उसको जानना जरूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक की बात आते हैं, हम अपने मेटाफिजिकल बॉडी का स्टडी करते हैं और 7 टिप्स बताऊंगा दोबारा इंशाल्लाह, इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से मैं हम अपने आप को अपने सलाहितों को जाना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का और इसको जगाने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। आज हम बड़ी बेहतरीन और एक बेहतरीन मौजू पे हम बात कर रहे हैं, जिसे खुशनासी कहते हैं, जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, अपने बारे में नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, और ये बड़ी अहम तरीन मौजू है। एक कॉल होल्ड पे लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन बात कर रही हैं? गुप्ता बात कर रही हूँ, आपकी स्टूडेंट हूँ। मैंने वहाँ से फोन किया लाहौर से। जी शगुफ्ता, क्या कहना चाहती हैं? माशाल्लाह बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जितना अल्लाह ताला ने टाइम दे दिया, जितना कहलवाया जी। अब अल्लाह ताला ने आपको बहुत बहुत अच्छे काम के लिए चुना हुआ है। बहुत शुक्रिया। हदीस का मफहूम है, अल्लाह ताला खूबसूरत में खूबसूरत चीज को पसंद करते हैं। आप ना के इंसान को ऊपर से खूबसूरत करते हैं, अंदर से भी खूबसूरत बना देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोटिवेशन के, आपके तशवीक करने। इतनी बरकतें डाले और आपको अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बा मकसद बनाए, नफे वाली जिंदगी अल्लाह ताला आपको अता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक लम्हा भी आपका जाया ना हो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर ये बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, यानी जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है सर। समता से ऐसी रोशनी मिलती है कि इंसान अपनी गलतियों को खुद पहचान लेता है, खुद देखता है। तो जब इंसान को अपनी बीमारी का पता चलता है वो फिर रेज करता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुद ही अपनी तरबियत करने के काबिल हो जाता है समझाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला का सर, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इंशाल्लाह ताला खुश रखना है। आइंदा भी मुझे बहुत उम्मीद है। ये अल्लाह ताला का कानून है कि जो दूसरों को आप दोगे आपको खुद मिलेगा। तो आप अल्लाह ताला आपको इतनी घरों को खुश करते, इतने दिनों को खुश करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश करे। क्वेश्चन तो सर, ये समदा समझने के बाद मैं कहती हूँ कि समदा ऐसी तार जो हमारे हाथ में आ जाती है, इससे हम खुद चुन चुन के अलग अलग गलतियाँ दिखाते हैं, ऐसी रोशनी मिल जाती है। बहुत तो अच्छी बात आपने कही है कि समदा हीलिंग भी एक सेल्फ अवेयरनेस का एक नॉलेज है, और ये भी अपने आप को जानने के और अपनी सलाहियतें जो छुपी हुई अल्लाह ताला के उनको जानने के जो नियामतें हैं, जो जिस तरह हीलिंग पावर है और ताकतें हैं, वो वाकई उसमें भी हम जानते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही सर, पहले तो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन थे, ये था वो है कि ये पूछूंगी। जब से मैंने समदा किया, समदा हीलिंग, उसके बाद सर खुद ही अंदर रोशनी पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने ऐसी रोशनी पैदा की, बहुत से फवायद यानी अच्छे फायदे ही फायदे हैं इसमें। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी। अल्लाह ताला ने हाथ में पकड़ा दी के खुद ही बंदा गलतियां अपनी नजर आती हैं, जैसे अंधेरे कमरे में लाइट आ जाती है ना। सही सही, पता चलता है कि वो ये चीज वहाँ पड़ी थी। बहुत जबरदस्त है। तो अल्लाह ताला और रोशनियां अता करे आपको, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और नफे वाली जिंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको। लाहौर में ये कब से शुरू हो रहा है? 5 to 8 जी इंशाल्लाह, ये आई थिंक 17 को है लाहौर में, 17 को आई थिंक है 17 सितंबर। दिन कौन सा होगा? हफ्ता इतवार हो तो बेहतर है सर मेरे लिए। ये आप इंस्टीट्यूट वालों से पूछे, टीम से पूछे। ठीक है सर जी, जज़ाकअल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बड़ी अच्छी बात कही, जबरदस्त बात। पता है क्या कही नहीं, कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए समदा हीलिंग एनर्जी भी एक जरिया है, बेहतरीन है, और ये नॉलेज है, ये एक फोर्स है, एक ताकत है। वाकई हमें जानना इस बारे में ज़रूरी है कि हम ऐसे हीलिंग पावर्स को भी जान सके, हम अपने मैग्नेटिक फोर्स से HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को हम जान सके, अपने ताकतों को जानने की कोशिश करें। और इस तरह के PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेज जो गुजरा, एक सब्जेक्ट था जो आपको मैंने बताया भी था, उससे भी हम अपने आप को अब जानने के पावर क्या है, माइंड क्या है, बॉडी कैसी, कौन सी बॉडी, और लैंग्वेज, लैंग्वेज की लैंग्वेज कैसे जान सके, हमने इस पे बात की। ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स को भी इंशाल्लाह एक ज़रूर एक सब्जेक्ट होगा हमारे यहीं पे, एक टॉपिक होगा, और समदा भी एक टॉपिक होगा आइंदा में, ज़रूर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मगर सबसे पहले आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ज़रूरी ये है कि हम ये जान लें कि अपने बारे में स्टडी कर लें। कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो कैसे स्टडी करें अपने आपके अपने आप को जानने की कैसे कोशिश करें। देखिए, अल्लाह ताला इसराफ को पसंद नहीं करते हैं। आपको जो सलाहियतें दिए हैं उनको जान आपके जानने के लिए दिए।
दीन के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इंसान, इस कायनात को मुसख़र करने की सलाहियत आप में मौजूद है, इस कायनात को डिस्कवर करने की सलाहियत आप में मौजूद है, इसलिए अपने आप को जानने की कोशिश करो ताकि अल्लाह के कायनात और इस कायनात की क्रिएटर को सही तरीके से जान लें। इसलिए ये अहम रहा, ये ज़रूरी रहा कि हमें जानना इस बारे में ज़रूरी हो जाए, तो फ़र्ज़ बनता है हमारे, ये फ़र्ज़ बनता है। तो जो दीन में जितने भी तरीके हैं वो हमें अपने रब को जानने की कोशिश करते हैं, दीन में इबादत जितने भी वो हम अपने रब के लिए करते हैं, और जो रब ने हमें सलाहियतें दी है उनको जानने की कोशिश करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस दीन का राह भी है, और दीन के जो रास्ता है वो हमें वाकई अपने आप को जानने के तौफीक अता करते हैं। मगर एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अच्छा, मेरा नाम आकिब है, मैं रावलपिंडी से कॉल कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। आकिब साहब क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे काफी अरसे के बाद अपनी काफी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है, और जैसा ये एहसास मुझे हो रहा है मेरे ख्याल में इसको अवेयरनेस कहते हैं या सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सही, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने, बिल्कुल सही, माशाल्लाह जी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बहुत करीबी रिश्ते हो और अपनी गलतियों का एहसास मुझे हो जाए, लेकिन आप उनको जाहिर है मुझे ये एहसास हुआ सबसे पहले कि मैं उनसे जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता, अपनी कोई बात भी नहीं मनवा सकता किसी। सही। तो अगर मेरी बात सही हो या उनकी बात से बेहतर हो, छोटे छोटे करीबी रिश्तों के बारे में, बड़े छोटे की तमीज के बारे में, तो उनको ये एहसास कैसे दिलाया जाए? हाँ, बहुत अच्छी बात के, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस यानी कोई भी अगर आप जानते हैं तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को जान सकते हैं, ठीक है? तो आप ज़बरदस्ती के बगैर आप ऐसे बिहेव करेंगे कि वो खुद ही वो चेंज उसमें आ जाते हैं, खुद ही चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और अपने आप को यानी जानने के खुशनासी का मतलब ये होते हैं कि लोग हमारी बात को मान लें, लोग हमें तरजीह दें, लोग हमारी बातों को तरजीह दें, लोग हमारी शख्सियत को तरजीह दें, लोग जो हम जिस पे स्टडी करते हैं उस चीज़ों को तरजीह दें, क्योंकि उनमें उनके बेनिफिट्स होते हैं, उनको उनमें उनको फ़ायदा होता है, तो इस वजह से वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार होंगे, ठीक है जी? जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है इसलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगले कुछ क्या नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इंसान जहाँ इलम महदूद हो जाते हैं इंसान के, वहाँ पर इंसान अपने आप को, कुछ लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, और वो समझते हैं जो मुरवज चीज़ें हैं यही है बस, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि हम बहुत कुछ अभी नहीं जानते, और वो लोग जिनके इलम ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा स्टडी करते हैं अपने बारे में, वो अपने आप को अभी फिर भी कुछ ऐसा समझते हैं कि अभी हमारे पास इलम और भी है, रास्ते और भी हैं, जहान और भी है, दुनिया और भी है, और हमारी दुनिया भी कुछ और है, और भी है, सिर्फ जो हम देखते हैं ये नहीं है। तो इसलिए ये लोग मुतालिया करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, और उसी से उनमें तमाम फवायद मिलते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं, हेल्थ हासिल करते हैं, कल्बी सुकून हासिल करते हैं, और एक अच्छा और मुफीद इंसान के तौर पे इस दुनिया से चले जाते हैं और लोगों के दिलों में रह जाते हैं। इंसान का मकसद भी यही होना चाहिए कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, दूसरों के लिए वक्फ कर दें, इंसान अपने आप को हेल्प करें अदर्स की, और इसलिए अगर अपनी सलाहियतों को इंसान जाने तो कमज़ोरी नहीं आते इंसान,
जब कमज़ोरी नहीं होते तो आपसे कोई काम भी आपके कमज़ोर नहीं होंगे। और बहुत से कामों में 80% काम जो हमारे अचीवमेंट्स जो हम चाहते हैं सक्सेस हासिल कर लेते हैं उसमें। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानने में कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें आपसे बताने थे लेकिन अभी दूसरे प्रोग्राम में जिक्र करेंगे अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स हमारे इस बारे में होंगे कि हीलिंग पावर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इस बारे में हम इंशाल्लाह अगले बात करेंगे। कल के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा मौजू हो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है कि हम उसको जान सकें। और ज़िंदगी में बहुत सी कुछ बहुत बार आपने महसूस किया होगा, आपने इग्नोर किया होगा, कल इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल इसी वक्त। अल्लाह हाफिज़।